ये व्हाइट कलर है ना फिर मतलब इसमें क्या दिखा देगा इसका 600 लास्ट है ये कपड़े देखो ना कैसा लग रहा है हम तो पहाड़ियों में तो अच्छा लगेगा सो गाइस हम लोग आ चुके हैं ऊपर से और हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया कल भी टिक्की खाई थी आज भी टिक्की खाई जा रही है बट माल रोड से मार्केट से बीच में एक ट्रॉली जाती है तो सीधा ऊपर जाती है डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग वंस अगेन आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे हम भी बहुत अच्छे हैं मस्त हैं स्वस्थ हैं सो अभी आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ से हम लोग आए हैं इधर हिसोले खाने के लिए यहाँ पे कल हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा था हिसोले तोड़ रहे थे हमने उधर खिड़की से देखा था तो आज हम लोग आए हैं हिसोले तोड़ने के लिए बट हम देखते हम जा पाते नहीं जा पाते बहुत मन कर रहा था हिसोले खाने का पिछले साल खाए थे हमने वहाँ पे गाँव में खाए थे हमने पिछले साल हम लोग यहाँ पहाड़ में रखे तो हमने पहाड़ी क्षेत्र में ही होते हैं खा के जाएं एंड आज है मदर्स डे सो हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन सबको सब मदर्स को हैप्पी मदर्स डे मम्मी को तो मैंने विश कर दिया पहले अभी हम लोग मार्केट जाएंगे तो केक वेक खाएंगे अभी चलते हैं नीचे यहाँ पे थोड़ा डेंजरस सा रास्ता है बट हमें आदत है हम गाँव में भी होके आ रखे हैं तो चलो पहले मम्मी जाएगी नहीं पहले तू जा कांटे कुटे देख लेना मैं पीछे पीछे आ रही हूँ आपके चलो कांटे तो नहीं गांव में अभी तो पड़ी है रास्ता बना साइड ज्यादा है पता है इस साइड सारे बच्चे तोड़ तोड़ के खा गए हैं नीचे देख लो पहले हिसोले लगे भी हैं इधर तो खा दिए बच्चों ने वही तो मैं बोल रही हूँ उस साइड ज्यादा लगे हुए ऑरेंज ऑरेंज दिख चलो ये देखिए गाइस ये हिसोले के पेड़ सारे बच्चों ने ये चबा चबा के खाले कर दिया है और ये बेड़ू का पेड़ देख ये सब खा लिया है बच्चों ने देखो ये देख ये उसका पेड़ है ये बस छोटे थोड़े लगने वाले हैं ये भी दिखा ना ये बेड़ू का पेड़ है जिसे अंजीर बोलते हैं और ये बेड़ू का पेड़ है जिसको अंजीर बोलते हैं यार इस तरफ तो हिसोले दिख ही नहीं रहे हैं ये भी कोई फ्रूट का पेड़ है मैंने ये वहाँ पे झड़ी पानी में खाए थे अभी ये पके नहीं है शायद नीले नीले से हो जाते हैं अगर आप लोगों को पता है इसे क्या बोलते हैं तो कमेंट करके बताना ये सिर्फ हमारे पहाड़ी दोस्तों को ही पता होगा गाइस उस साइड बहुत सारे लगे हुए हैं देख सकते हैं आप बट उस साइड जाया नहीं जाएगा क्योंकि नीचे खाई है इतने मिले हैं हमसे बस इतने ही टूटे हैं इतने ही हम तोड़ पाए हैं आसपास से जितने भी हमें मिले दूर दूर है अब जगह जाने की जगह नहीं है हाँ। खट्टा डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को हम लोग रेडी होके आ चुके हैं नीचे एंड बस अभी हम लोग निकल रहे हैं आज हम लोग जाएंगे जो वो ट्रॉली से जाती है ना माल रोड से मार्केट से बीच में एक ट्रॉली जाती है तो वो सीधा ऊपर जाती है तो आज हम लोग वहाँ जाने वाले हैं और अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है सुबह तो मम्मी पापा ने मैगी खा ली थी मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि मैं सो रही थी एंड अभी जाऊँगी मैं कुछ खाऊँगी पेट पूजा करूँगी उसके बाद ही हम लोग जाएँगे तो गाइस आज हम फिर से माल रोड पहुँच चुके हैं एंड हम जा रहे हैं ट्रॉली की तरफ
गाइस मेरा नाश्ता आ चुका है, आलू का पराठा। अंदर हाँ। ये पिंक वाला ले लो, यही निकाल के दे दो। तो गाइस मैंने मम्मी के लिए सॉक्स लिया है, मम्मी को सॉक्स चाहिए था। मैंने इमली ले लिया गाइस। ये व्हाइट कलर है ना, फिर मतलब इसमें क्या दिखा देगा, इसको 600 लास्ट है। ये कपड़े देखो ना, मैं कपड़े में फर्क नहीं, ऐसा गलत रेट नहीं लगाऊंगा ना। 600 है, ऐसा करे 750 दे दो, ठीक है ना। 600 750 रुपये दे रहे मैं, 600 मोहनी कह रहे दीदी इसलिए बोला हूँ, पहला कस्टमर दीदी इसके चलते बोलूँगा आपको। ये अच्छा लग रहा है मेरे को तो ज़्यादा। अरे नहीं वो पिंक अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा व्हाइट व्हाइट से लग रहा है, थोड़ा डार्क। तो गाइस यहाँ मम्मी के लिए कॉट सेट लिया जा रहा है, देखो कितने अच्छे अच्छे कॉट सेट है, अच्छा लग रहा है वाला। ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो गाइज़ हम अपने लोकेशन में पहुंच गए हैं जहां हमको आना था ट्रॉली के लिए, एंड हमने टिकट्स ले लिए यहां पे 3 जनों की, एंड यहां पे वेटिंग चल रही है अभी, क्योंकि ट्रॉली में एक बार में 12-13 जने ही आते हैं, एंड उसको ऊपर से नीचे जाने में, नीचे से ऊपर आने में टाइम लगता है, सो इसलिए वेटिंग चल रही है। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर आवर ट्रिप। सो गाइस हमारी टर्न आ चुकी है, एंड हमारा 16 नंबर था, एंड ये जो टिकट है पर पर्सन 220 रुपीज़ की है। बाकी एक्सपीरियंस कैसा था एंड इसको बाय करना वर्थ था कि नहीं था, ये मैं आपको बाद में ऊपर जाके बताऊंगी। हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पे काफी सारी शॉप्स हैं,
ऐसे ही थोड़ा शॉप वगैरह है घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ से बस व्यूज देखो आप एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो बस। ये डुडुक ले लिया है मैंने, कहा उसको ऐसे ऐसे बजाएंगे तो वो अच्छा लगेगा उसको। सो दोस्तों अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। हम लोग यहाँ पे शायद 20 मिनट्स ही रुके होंगे एंड यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं इतना घूमने के लिए, लाइक खाने पीने के लिए है, अब फोटोशूट के लिए है एंड गेम्स वगैरह ये हैं। जैसे कि आपने क्लिप्स में देखा कि खाली पड़ा हुआ था, ज़्यादा लोग नहीं थे, तो नीचे से लोग तो आते हैं कि ऊपर क्या होगा क्या होगा, चलो देखते हैं। 220 रुपये का टिकट लेके जाते हैं, बट ऊपर आके लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ इतना खास होता नहीं है देखने के लिए, तो लोग जल्दी जल्दी नीचे भी चले जाते हैं। तो मुझे तो इतना वर्थ नहीं लगा 220 इस चीज़ में वेस्ट करना, इससे अच्छा मैं कुछ और ले लेती, अपने लिए शॉपिंग कर लेती, खा पी लेती। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ऊपर से और हमें बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया एंड ऊपर जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कुछ नहीं था, खाली पड़ा हुआ था, कुछ खास घूमने के लिए है नहीं, ऐसी गेमिंग थे छोटे छोटे बच्चों के लिए, खाने पीने का स्टॉल लगा था, गन पॉइंट बोलते हैं उसे, बट चीज़ें यही सब थी वहाँ पे। और वो जो ड्रेसेस होती है उसमें आप फोटो खिंचा सकते हो पहन के, बाकी कुछ खास नहीं लगा। और 220 रुपीस पर पर्सन वेस्ट करना कुछ वर्थ भी नहीं लगा। तो अगर आप लोग जाएंगे तो देख के जाना, अगर आपको जाना है पैसे खर्च करना है तो आप जा सकते हैं, वरना अदरवाइज इससे अच्छा कुछ ले लो, शॉपिंग कर लो उसकी बस। बाकी हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ से बहुत अच्छी हवा आ रही है एंड बहुत अच्छा सीन दिख रहा है। ले लो। कल भी टिक्की खाई थी, आज भी टिक्की खाई जा रही है, बट ट्राई करनी चाहिए ना, बट अलग जगह की है, देखते हैं यहाँ का कैसा होता है। और उसमें तो प्याज व्याज भी डाला था, उसने ऊपर से कितना अच्छा लग रहा था ना, इसलिए मैंने बोला था वहीं जाके खाते हैं। सो गाइज़ खा पी के हम लोग चले गए थे अपने रूम में वापस, बहुत ज़्यादा थक गए थे तो सो गए थे। फिर रात को डिनर के लिए मैं मम्मी को मालटोर लेके आई थी, पापा तो नहीं आए थे, पापा रूम में ही थे, सिर्फ मम्मी और मैं आए थे। एंड आज मदर्स डे भी था तो मैंने मम्मी को मम्मी का फेवरेट ब्राउनी विद आइसक्रीम भी खिलाया। फिर हम लोग घर वापस आ गए। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग जा रहे हैं, आज है थर्ड डे मंडे एंड हमारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है सारी और हम बस निकल रहे हैं। कल का हम लोग रात में मम्मी और मैं थोड़ा सा माल रोड घूमने गए थे और डिनर वगैरह करने गए थे, तो उसका मैंने शूट नहीं किया। 9:30 हो चुके हैं एंड चेकआउट करके निकल रहे हैं
एंड बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा ये 2 दिन का। और एक बात ये है कि अगर आप लोग मसूरी आ रहे हैं घूमने के लिए, खासकर वीकेंड्स में, तो ट्राई करो नॉट टू ब्रिंग योर कार्स, मतलब एक्टिवा में आओ या फिर ओला करके आ जाओ ऊपर, टैक्सी करके आ जाओ ऊपर। यहाँ पे काफ़ी सारे रेंटेड बाइक और एक्टिवाज मिलती हैं, तो वो रेंट करके आराम से घूमो। यार कार में मैं, जैसे मैंने आपको वीडियोस में दिखाया था, कार लाना ना, एक तो लोग इतनी बड़ी बड़ी कार ले आते हैं, ऊपर से इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है, क्योंकि यहाँ की रोडें जो हैं, पहाड़ों की रोडें बहुत पतली पतली होती है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें हाईवे वाली रोड मिल जाएगी यहाँ पर, तो कार ऑब्वियसली यार फंसेगी। अब एक लेन में 2 कार सामने से आ रही है, सामने से जा रही है, तो उसमें तो ट्रैफिक लगेगा ही। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटर रहेगा अगर आपको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है ट्रैफिक में, तो आप अपना एक्टिवा में आओ या फिर रेंट करके एक्टिवा में घूमो या फिर बायवा घूमो, कोई इशू नहीं है। बट कार में अगर आप आओगे तो 2-2, 3-3 घंटे ट्रैफिक में ही अटके रहोगे, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, मई का महीना चल रहा है एंड मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है एंड बस यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो, ये जो 2 दिन का व्लॉग मैंने बनाया, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी, प्लीज़ सपोर्ट करना। मिलते हैं किसी नए ताज़े व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।